हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि अब तक एटीके मोहन बगान एफसी ने डूडन कप में 3 मैच खेल लिया है और 3 मैच खेलने के बाद एटीके मोहन बगान एफसी ग्रुप बी के तीसरे पायदान पर है 4 पॉइंट के साथ। तो दोस्तों, पिछले 3 मैचेस की बात किया जाए एटीके मोहन बगान एफसी का, तो एटीके मोहन बगान एफसी के मिडफील्डर्स ने काफ़ी ज़्यादा चांस क्रिएट किया है अपने इंडियन स्ट्राइकर्स के लिए। लेकिन दोस्तों, एटीके मोहन बगान एफसी के कोच जुआन फर्नांडो के उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए हैं अब तक एटीके मोहन एफसी के इंडियन स्ट्राइकर्स, और काफी ज्यादा गोल मिस देखने को मिला है एटीके मोहन बगान एफसी के स्ट्राइकर्स के तरफ से। तो दोस्तों, इसीलिए सभी समर्थकों का एकमात्र उम्मीद है डिमिट्री पेट्राटॉस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और एटीके मोहन बगान एफसी के 6th फॉरेन प्लेयर है। और दोस्तों, सभी एटीके मोहन बगान एफसी के फैंस काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए हैं डिमिट्री पेट्राटॉस के ऊपर, जो अब तक एटीके मोहन बगान एफसी के इंडियन स्ट्राइकर्स नहीं कर पाए हैं, वो डिमिट्री पेट्राटॉस आकर गोल स्कोर करेंगे। तो दोस्तों, सभी समर्थकों के मन में यही सवाल होगा कि डिमिट्री पेट्राटॉस तो बहुत पहले साइन कर चुके हैं, तो वो कोलकाता कब पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों, खबर है कि 31 अगस्त को डिमिट्री पेट्राटॉस, जो अपने पुराने क्लब में खेल रहे थे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और 1 सितंबर से लेके 3 सितंबर के बीच डिमिट्री पेट्राटॉस कोलकाता पहुंचने वाले हैं। जी हां दोस्तों, खबर कंफर्म है कि 1 सितंबर से लेके 3 सितंबर के बीच डिमिट्री पेट्राटॉस एटीके मोहन बगान एफसी को ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों, खबर है कि 7 सितंबर को होने वाले इंटरजोनल सेमीफाइनल मैच के लिए डिमिट्री पेट्राटॉस अवेलेबल रहेंगे कोच जुआन फर्नांडो के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।